सुनो जया, मोहिता मुझे भी खिला लो, मैं भी खेलना चाहता हूँ। अरे तुम तो ठीक से चल भी नहीं पाते हो, फिर तुम हमारे साथ कैसे दौड़ पाओगे? हम तुम्हें अपने साथ नहीं खिलाएंगे। हाँ, हम तुम्हें अपने साथ नहीं खिलाएंगे। अरे क्या हो रहा है सुनील, तुम रो क्यों रहे हो, खेल क्यों नहीं रहे हो? ये लोग मुझे अपने साथ नहीं खिलाना चाह रहे, ये लोग कहते हैं कि मैं तेज नहीं दौड़ सकता। बच्चों यहाँ आओ। देखो बच्चों, हमें कभी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। दूसरों का मजाक उड़ाना और अपने ऊपर घमंड करना बुरी आदत है। क्या तुम लोगों ने जड़ और फूल की कहानी नहीं सुनी? नहीं दीदी। अरे ये तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में ही है, आओ बैठो। अच्छा जया, मैंने कहानी सुनाने के लिए कुछ चित्र बना के रखे हैं, जाओ लेके आओ। अच्छा पहले ये बताओ कि विद्यालय जाते वक्त आप लोगों ने कौन कौन से पेड़ देखे हैं? दीदी आम, अमरूद, पीपल, गुलमोहर के पेड़ देखे हैं। ठीक है, और फूल कौन कौन से रंग के देखे हैं? चलो जया तुम बताओ। दीदी मैंने नारंगी, लाल, पीले, गुलाबी फूल देखे हैं। और गुलमोहर का वृक्ष तो देखा ही होगा आप सबने। हाँ दीदी। वो देखो गुलमोहर का पेड़। अच्छा अब मैं कहानी सुनाती हूँ। हाँ, गुलमोहर का एक घना छायादार पेड़ होता है। गर्मी आते ही नारंगी आभा लिए लाल रंग के फूलों से यह पेड़ लग जाता था। ऐसे में इसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। इसके फूलों के गुच्छे गुलदस्ते के समान लगते थे। फूलों को अपनी इस सुंदरता पर बड़ा घमंड था। एक बार फूलों को मजाक सूझा। फूलों ने जड़ से कहा, अरे जड़ देख मैं तो कितना खूबसूरत हूँ और तू कितना बदसूरत। जड़ बेचारी कुछ ना बोली। गर्मी के बाद वर्षा का मौसम आया। गर्मी के बाद बरसात आती है ना? हाँ दीदी। वर्षा के मौसम में खूब जोर जोर से बिजली चमकी, बहुत तेज बादल गरजे। जब बिजली चमकती है तो आपको डर लगता है ना? हाँ दीदी। मैं तो जाके माँ के पास छुप जाती हूँ। बिजली कड़कने के साथ गुलमोहर के पेड़ पर गिर पड़ी। बेचारा पेड़ पूरा का पूरा झुलस गया। सारे फूल झड़ गए, सारे पत्ते गिर गए। पेड़ एकदम बेकार सा लगने लगा, एकदम ऐसा लगा कि उसमें जान ही नहीं है ना। पेड़ एकदम ठूट सा हो गया। और जब सारे पत्ते झड़ते हैं तो पेड़ कितने बेकार लगते हैं ना, है ना दीदी। एकदम खेलने का भी मन नहीं करता ना ऐसे मौसम में। सारे पेड़ सूने सूने, बिना फूलों के, बिना पत्ते के, पेड़ एकदम ठूट सा लगने लगा। ये देखो कैसा होता है ठूट पेड़, बिना पत्तों के, बिना डालियों के, है ना। वर्षा के बाद जाड़े का मौसम आया और जाड़े के बाद फिर से बसंत का आया। बसंत के मौसम में एक चमत्कार सा हुआ। दीदी क्या क्या है चमत्कार? चमत्कार, उस ठूट पेड़ पर फिर से नई कोपले आई, नए धानी पत्ते आए, नन्नी नन्नी कलियां आईं और एक बार फिर से उस पेड़ पर बहार सी छा गई। वह पेड़ फिर से फूलों से लद सा गया और उसकी सुंदरता पहले जैसी हो गई, एकदम हरा भरा सुंदर ना। बसंत के मौसम में तो सारे पेड़ों में फूल लगते हैं ना, है ना। हाँ दीदी। और सब कुछ सुंदर सुंदर लगता है। हाँ दीदी। तो अब जड़ ने फूल से पूछा, कहो भाई फूल तुम कैसे हो? फूल को अब तक अपनी गलती का एहसास हो चुका था। फूल को समझ आ चुका था कि जड़ की कड़ी सेवा और मेहनत के कारण ही पेड़ पर दोबारा जाना ही थी, पेड़ पर दोबारा बहार छाई थी, है ना। जड़ कितना काम आती है ना, जड़ नहीं होगी तो पेड़ नहीं होगा, है ना। जड़ होती है, पानी लेती है, तभी तो पेड़ घना होता है, छायादार होता है ना। अच्छा तो बच्चों कहानी कैसी लगी? दीदी बहुत अच्छी। अच्छा सुनील ये बताओ कि फूलों ने जड़ की हंसी क्यों उड़ाई? दीदी फूलों ने जड़ की हंसी इसलिए उड़ाई क्योंकि जड़ बदसूरत थी और फूल खूबसूरत था। हाँ, और फूलों ने जड़ से क्षमा क्यों मांगी? दीदी
फूलों ने जड़ से क्षमा इसलिए मांगी क्योंकि फूलों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और फूलों को समझ आ गया था कि बिना जड़ के उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा अच्छा, आप सब ने इंद्रधनुष तो देखा ही होगा। हाँ दीदी। इंद्रधनुष कहाँ होता है? दीदी आकाश में। अच्छा, और नदी कहाँ होती है? दीदी धरती पर। और चांद तारे कहाँ होते हैं? दीदी आकाश में। और पेड़ पौधे? दीदी धरती पर। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत होशियार हो गए। अच्छा ये बताओ, खूबसूरत का विलोम क्या होता है? दीदी बदसूरत। और दुख का? सुख। अच्छा ये बताओ कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? हमें कभी भी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा, हर किसी के जीवन में अपना अलग एक महत्व होता है। अरे वाह, तुम सब तो बहुत होशियार हो गए हो, लगता है अच्छे से कहानी समझ में आई। अच्छा ये बताओ कि आज से तुम सब सुनील का मजाक तो नहीं उड़ाओगे ना? नहीं दीदी। अब हम सब अपने अपने घर चले। हाँ दीदी।